तो दोस्त कहने लगा कि देखो जी उत्थे संगू बैरियर ते ओ सरकारी बंदे पहुंच गए। और मैं क्या गल सुनो ध्यान नाल के बरात नहीं कट्ठी की जा सकती, बैंड बाजे वाले ही किराए से आ सकते बरात नहीं। फिर सलाम करदा चकैत साहब नू के चकैत तेरे आंसुआ ने एक बार फिर पूरे भारत नू इत्थे लिया के इकट्ठा करता है। मैं सलाम करता है इसका इया किल्ला गड़दी पई है सरकार एक तुसी नहीं चुननिया। ए आने वाले समय च जब इलेक्शन आऊगा ए इस सरकार दे मंत्रियां संतरियां ने आप चुननिया, किसानां ने नहीं चुनिया। रहा ओ इतिहास लिखिया जा रहा, एक कंध ते लिखिया जा रहा कि जिस समय भारत दा किसान अपनी आहां दे नाल सड़कां ते सी साडा नैशनल मीडिया सरकार ते तलवे चढ़ रहा सी, इतिहास लिखिया जा रहा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की फुट पाण की कोशिश की, किसानी कानून का रद्द जो होगा होगा, इस कानून ने सानू सब नू आपस भरा बना के खड़ा कर दिया। फिर इन्हों मैं दस दवा कि तुसी किला कल कटिया, वो असी तो आंदे ही निशान साहब कट के दसता सी कि जान वाले है नहीं। सरकार जी कापी ते नोट कर लो, उद्योगपति दुकान बदल के जा सकता है, किसान दा पुत खेत नहीं छड़ेगा। रहमान रहीम शुरू करता हाँ अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। अज असी लुधियाणा दी समूह मस्जिदां दे प्रधान साहिबान इमाम साहिबान ते वक-वक मुसलमान जथेबंदियां दे आगुआं दे नाल एक बार फिर तुहाडे कोल आए हाँ। तो अपनी गल शुरू करन तो पहला एक बहुत मशहूर शायर ने दो अखरां च लोकां नू सीख दित्ती, उन्हें कहा है कि एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता, एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता, बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता, और ये फैसला है दीन फितरत का के बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। ते तुहानू मैं कहना, मैं रस्ते च आया ते कई प्रेस रिपोर्टर पुछण डए वो किल्ला लातियां अगे किल्ला गड्डन डए है, और मैं क्या बाबे नानक ने सानू किरत सिखाई, असी फुल बंडने हैं फुल उगाने हैं, इन्हां दा कम किल्ला फुटनिया, इन्होंने किल्ला ही ला के देनी है सानू। ते जिहड़े 2-400 बंदिया ने आके रौला पाया कल परसों, मेरे एक दो दोस्त कहन लगे कि देखो जी उत्थे संगू बैरियर ते वो सरकारी बंदे पहुंच गए, और मैं क्या गल सुनो ध्यान नाल कि बरात नहीं कट्ठी की जा सकती, बैंड बाजे वाले ही किराए ते आ सकते बरात नहीं आती। असी करसानी कट्ठी करन लई अज इत्थे आए हां। ये पूरे देश का जिहड़ा किसान है, मैं एक बारी फिर सलाम करदा चकैत साहब नू कि चकैत तेरे आंसुआ ने एक बार फिर पूरे भारत नू इत्थे लिया के इकट्ठा करता है। मैं सलाम करता है इस गल नू। किसान दा जिहड़ा अंदोलन है किसी धर्म दा नहीं, किसी जात दा नहीं, किसी बरादरी दा नहीं है, इस मिट्टी दा अंदोलन है। ते मोदी जी सुनो, मिट्टी दा जिहड़ा अंदोलन है वो मिट्टी दे पुत जित के जाणगे, हार के नहीं जाण वाले हाँ असी इत्थों। ते एक गल होर नोट कर लो कि जिहड़ियां किल्लां गड्डियां सड़कां दे विच, ये चौटाला साहब इस्तीफा दे के हुणी आए साडे कोल, ये जिहड़ियां किल्लां गड़दी पई है सरकार ए तुसी नहीं चुननिया। ए आने वाले समय च जब इलेक्शन आऊगा ए इस सरकार दे मंत्रियां संतरियां ने आप चुननिया, किसानां ने नहीं चुननिया। मैनू अक्सर कई लोकी पुछदे कि बिल वापस होने के नहीं होने, कानून बदलिया जाना के नहीं बदलिया जाना, और मैं क्या बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने ताकत दी है वोट दी कि आज बिल नहीं बदले तो कल नू फिर असी सरकार बदल देनी है, जे आज बिल नहीं बदले तो सरकार बदल देंगे।
और मैं बधाई देना चाहूंगा सोशल मीडिया नूं इत्थे जिन्ने कैमरे लगे है वो रब दा शुक्र करो इन्हां च गोदी मीडिया वाला कोई नहीं वरना इतिहास लिखिया जा रहा वो इतिहास लिखिया जा रहा एक कंध ते लिखिया जा रहा कि जिस समय भारत दा किसान अपनी आहां दे नाल सड़कां ते सी साडा नैशनल मीडिया सरकार दे तलवे चट रहा सी इतिहास लिखिया जा रहा नाले कहना चाहना मैं आज तक आलिया नू इंडिया टीवी आलिया नू जी न्यूज आलिया नू न्यूज 18 आलिया नू और जिन्ने हैगे हो दब के झूठ बोल लो लेकिन जब इतिहास किसी नू याद रखेगा तो किसानों की शहादत नू याद रखेगा चमचिया नू याद नहीं किया जाएगा चमचिया दे लई कोई जगह नहीं इतिहास दे विच और मैं बधाई देना चाहना हरियाणा के लोगों नू आज जद मैं आया हरियाणा के जाट वड्डी गिणती च नजर आए और उत्थे टकैत बैठा पूरी यूपी के भाईचारे नू लैके ओ इन्हां ने साडे च फुट पाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की फुट पाण की कोशिश की एक किसानी कानून तो रद्द जो होगा होगा इस कानून ने सानू सब नू आपस च भरा बना के खड़ा कर दिता है ते इसलिए कोई घबराण की लोड़ नहीं ये जड़िया किल्ला गड्डियां इस गल का ऐलान है सरकार वालों कि हनु असी टाइम लाना ते फिर इन्हां नू मैं दस दवा कि तुसी किल्ला कल गड्डियां वो असी तो आंदे ही निशान साहब गड्ड के दसता सी कि जान वाले है नहीं आ वो कई लोकी फुट पाना चाहते कि नहीं फुट पावांगे कौमा च और मैं जी न्यूज से आज तक ते इंडिया टीवी नू दसा और जड़ी फुट तू पाना चाहना ए पै नहीं सकती एदी सांझ दी बुनियाद बाबे नानक ने मर्दाने दे नाल रखी है च फुट पै नहीं सकती है और दुनिया जानती है कि जब इस देश से असी उस कौम तो ताल्लुक रखते हैं कि अगर साढ़े कोई मजहब का बंदा भी इस तखत पर बैठा हुंदा और दसम पिता निकलता तो असी नबी खां गनी खां बन के अपने पिता नू मोढ़ियां ते चक के ले जावांगे इसी सरकार दे थल्ले लगन वाले नहीं हाँ इसलिए मैं कहना चाहना तुहानू सारिआं नू किसान जथेबंदियों नू भी कि टकैत बापू बन के सामने आया तो बापू की लड़ फड़ लियो हुण पंगे बाजियां जिन्ना पई हो किसे वो अपना बापू बन के देखो अगर उस रात वो डर जांदा अगर उस रात बिक जांदा अगर उस रात पुलिस नूं कहिंदा कि मैं तुहाडे नाल चलण लई तैयार हाँ पूरे देश च किसान अंदोलन खत्म हो जांदा ये टकैत दे कल्ले आंसू नहीं है उहदी जुर्रत नूं सलाम है कि कल्ले उहने केंद्र सरकार नाल टक्कर लिती ते अज गाजीपुर छड्डो संघू बार्डर ते दुबारा रौनकां लग गईआं ते मेरे टकैत दी हिम्मत नूं सलाम है ते बस इहो बेनती करना चाहुंदा इत्थे वख वख समुदाय दे लोग बैठे हुए ने कि एक बन के अगे तुरना असी इस देश नू जद असी अंग्रेज तो खाली कराया उदों असी आपस दे विच एक बन के कराया ये जेड़े लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित नू वंडण दी गल करदे ने उहनां दा मूंह तोड़ जवाब सोशल मीडिया दे नाल देना और सरकार नू दसना चाहुंदा कि सरकार जी कापी ते नोट कर लो उद्योगपति दुकान बदल के जा सकता है किसान दा पुत खेत नहीं छड़ेगा नोट कर लो अपनी कापी ते कि किसान दा पुत जान वाला नहीं है और मैनू तो हैरत है उन्हां लोकां ते एक बंदा मैनू कहन लगा कि तिरंगे दा अपमान हो गया और मैं क्या झूठ घट बोलो तिरंगा कल भी शान नाल लहरा रहा सी अज भी शान नाल लहरा रहा है ते उन्हां नू तिरंगे दी सीख दिंदे हो 74 सालां तो जिन्हां दे पुत बार्डर तो तिरंगे च लिपट के आखिरी साह लैंदे तुसां उन्हां नू सीख देण लगे हो इसलिए एक बार फिर पंजाब दे मुसलमाना वालों लुधियाने दे सारे जिम्मेदार मेरे नाल इत्थे बैठे ने मेरा छोटा भरा मुबीन फरूकी पहले दिन तो तुहाडे नाल इत्थे बैठा
कई बार गोदी मीडिया चक दिंदा कि इन्हें बिरयानी लाई हुई है, हालांकि जरदा लाया होया, फिर इन्होंने लिख के भी लाया कि ये बिरयानी नहीं जरदा है। तो मैं तुहानू ये कहना चाहुंना कि असी तुहाडे नाल आ, पूरा देश, असी तो मुराद मुसलमान नहीं, इस देश का एक एक बच्चा अपने किसान दे नाल है। दुनिया इधरों उधर हो सकती है, भारत वंश का कोई बच्चा किसाना नाल गद्दारी नहीं कर सकता है। ते आओ एक बार फिर रल मिल के हल्ला मारांगे, और वो दिन करीब है कि अगर इस सरकार ने कानून ना बदलिया तो देश की जनता सरकार बदल के फिर कानून बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। ते घबराण की कोई लोड़ नहीं। बस एक अपील जरूर करना चाहना किसानी मोर्चे वालिया नूं कि अपने दिलों के कलावे नूं थोड़ा वड्डा कर लो। बाबे नानक का कलावा देखा किड्डा वड्डा, फिर किड्डा वड्डा देखा भी पूरी दुनिया समा गई, सारे नूं क्या, मुसलमानों नूं क्या, तुसी आओ तुहानूं चंगी नमाज पढ़नी दसदा, हिंदुओं नूं क्या, तुसी भी आ जाओ तुहानूं दसदा सीधा रस्ता तुहाडा किधर नूं है। इसलिए छोटियां छोटियां गल्लां स्टेज ते ना करिया करो, जद पंगा वड्डे मगरमच्छ ना पिया होवे ते छाती चौड़ी करके थोड़ी डूंगी रख्या करो इहनूं इंशाअल्लाह। बस इन्हां ही अखरां दे नाल एक बार फिर तुहानूं इह कहना कि वह समा नेड़े है जब किसानां दा अंदोलन जिहड़ा कामयाब होएगा। मेरे नाल मिल के एक नारा ला लिओ, उस तो बाद तुहाडे तो मैं इजाजत चाहवांगा। जय जवान। वह मजा नहीं आया दोनों हाथ चक के, दिल्ली तक तो आवाज जावे ना, घट्टो घट घट्टो घट दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए है। साडे मौलवी कहिंदे हुंदे जोर दी अल्लाहू अकबर कहो तो शैतान भज जांदा। और दिल्ली तक जाऊगी तो जेडे उद्योगपति बैठे, देखो सरकार चाहती है, मेरा दिल कहता है, और सरकार च जेडे लोग बैठे वह भी किसानों के पुत ने, वह भी चाहते कानून बदल जाए, लेकिन पूंजीपतियों का डर इन्ना है कि वह प्रधानमंत्री के सामने उन्हों की आवाज नहीं निकलती, ये मजबूर ने बेचारे, ये ना समझो कि ये चाहते नहीं, ये मजबूर ने। इसलिए जरा जोर दी एक अद्धा नारा लाओ, आवाज दिल्ली के तख्त तक पहुँच जाए, और उत्थे टकैत तक भी पहुँच जाए कि संघू बार्डर वाले कैम ने। जय जवान। हाँ हूँ आ गया मजा, पता लग्या भी भारत के लोग खड़े ने। इस आवाज के विचों ताकत है। देखो कोई दस सकता है इस आवाज च केड़ी हिंदू है, केड़ी सिख है, केड़ी दलित है, केड़ी मुसलमान है? नहीं। इसी आवाज ने, याद रखो जिदन सरहंद विच साहबजादियां नूं चिणिया गया, एक गल याद रखो, अगर उहदी यादगार इक हिंदू ने बनाई, उहदे लई कुर्बानी नवाब मलेरकोटला ने दित्ती, ते पता लग्या धर्म कोई बुरा नहीं हुंदा, एक दो गुंडे धर्म दे उत्ते कब्जा कर लैंदे। इसलिए असीं ऐतवार नूं लुधियाणे च 2 लाख बंदे तुहाडे हक च पैदल मार्च करन जा रहे हैं। वह बहुत सारे गोदी मीडिया वालों के ढिड च, अज असी इत्थे आना सी, इंडिया टीवी वाला पहले ही तवा लाने लग पिया भी लुधियाने जा रहे जी मुसलमान। और मैं क्या, क्यों, असी हिंदू सिख मुसलमान आपस च भरा नहीं है? और असी तो इस देश लई इत्थे तक कुरबानी दिती है। और सुन लो गोदी मीडिया वालिओ, कि जद पंजाब दी वंड होई साडा अद्धा खून उधर चला गया, अद्धा इधर रह गया, फिर भी जद 74 च 64 दे विच इस देश नूं लोड़ पई, असी अपने खून दी ढेरी लाती, कैप्टन अब्दुल हमीद बन के, जनरल जे सिंह बन के, असी अपनिआं नूं ठोक के पिछे करता। इस देश दे लई असी इस देश दे लई कुरबानियां दित्तियां। सानू दुख हुंदा उहनां लोकां ते जिहड़े पुछदे, गालिब जिहड़ा सी ना, गालिब बहुत बड़ा शायर सीगा, उह 2-3 जमूरे होर जम पे उहनां दिनां च, ते उह कहण लगे कि इह गालिब कौण है यार, इहनूं तां कुछ आंदा जांदा नहीं, जदकि उर्दू अदब उहने शुरू कीता। ते उहने शेर लिखिआ सी, इहनां लई लिखिआ, शायद मोदी जी लई ते उहनां दे चमचिआं लई शेर लिखिआ उहने, कहिंदा पूछते हैं वो कि गालिब कौण है। अगर कोई हिंदू भरा अज की तारीख च सच बोलूगा, वह कहेगा कि केंद्र सरकार की नीति गलत है, तो गोदी मीडिया कहेगा अरबन नक्सलवाद है। याद रखियो मेरे अखर, अगर कोई मेरा हिंदू भरा
ये कहेगा कि गोदी मीडिया और मोदी का थ्योरी खराब है, तो मीडिया कहेगा ये अर्बन नक्सलवाद है। अगर कोई सिख कहेगा कि मोदी जी थोड़ी थ्योरी गलत है तो कहेंगे खालिस्तानी है। अगर कोई मुसलमान कहेगा कि केंद्र सरकार की नीति गलत है वो कहेंगे ISI का एजेंट है। और अगर कोई दलित कह दे कि मेरे नाल धक्का हो रहा तो हाथरस कांड वांगू कहेंगे कि ये तो कनैक्शन बाहरले देशों नाल जुड़े है, सरकार ने कीता कुछ नहीं, केंद्र सरकार ने कीता नहीं, सड़कां नहीं दित्तियां, हस्पताल नहीं दित्ते, स्कूल नहीं दित्ते, की दित्ता एक मीडिया दित्ता और बदमाश खड़े कीते। तुसीं इह देखो इह दुनिया च पहला देश बन गया भारत कि साडा मीडिया साडे चैनल साडे एंकर देखण वाले भी असी ते उह किहनूं धमकियां दे रहे जी, अपने ही देश की जनता नूं धमकियां दे रहे ने। इन्हां दे उत्ते अफसोस की गल ये है कि वह पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, वो कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या, वो जेदा अन्न उगाया खाने उन्हें ही पूछने लग पे भी तू कौन है वो। ते आओ मैं तो नारा लवान लगा सी, गल फिर गाह नूं तुर पई, मेरे नाल मिल के नारा एक लाओ जबरदस्त, आवाज उत्थे तक जानी चाहिए है। इन्ने लंगर लाए उतों इतने तक बादाम खा खा पहुंचे हैं, हूँ यह भी नहीं कहा जा सकता भी शायद कुछ है नहीं, कई ने तो दो दो किन्नू खा ले बैठे ने। तो इसलिए जरा दिल की गहराइया नाले खुश रहा करो, टेंशन नहीं लेनी। वो मेरे नाल एक मुंडा सी, वो नारा लाई जाए हम मर जाएंगे, वो मैं क्या हो रहा वे साले मर नहीं जावांगे, मैं क्या क्या हम जीत के जाएंगे, असी मरन नहीं आए असी जितण आए हैं। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान, जै जवान!